बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाए होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने कब से शैक्षणिक सत्र शुरू करने की घोषणा की है? ए 1 नवंबर, बी 2 नवंबर, सी 3 नवंबर या डी 4 नवंबर। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भागलपुर, विद्यालय में बैठकर सिगरेट का कस लगाना मास्टर साहब को पड़ा महंगा। भागलपुर जिले के एक स्कूल में शिक्षक का कस लगाना एक मास्टर साहब को महंगा पड़ गया। जिले के सनहोला प्रखंड स्थित मदारगंज मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक विनोद कुमार सिंह को सिगरेट पीना विद्यालय में महंगा पड़ गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी DEO संजय कुमार ने तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 कोटपा के तहत कार्रवाई करते हुए मंगलवार को प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है। निलंबन की अवधि में प्रधानाध्यापक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय कहलगांव में रहेंगे। DEO ने बताया कि स्कूल में बच्चों की पढ़ाई बंद है, लेकिन चावल वितरण और अन्य कार्यों के लिए स्कूल खुले हुए हैं। वहीं सनहोला प्रखंड स्थित मदारगंज मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक विनोद कुमार सिंह के सिगरेट पीने की घटना का पूरे दिन चर्चा होता रहा, हर कोई इस पर चर्चा कर रहे थे। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी की कार्रवाई को लेकर भी तरह तरह की चर्चा होती रही। DEO ने साफ कहा है कि कहीं से किसी भी तरह की शिकायत मिली तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर में कोचिंग हॉस्टल और लॉज खोलने को लेकर कोचिंग संस्थान के शिक्षकों की हुई बैठक। भागलपुर में प्राइवेट टीचर एसोसिएशन के तहत कोचिंग संस्थान के शिक्षकों की बैठक बुलाई गई। बैठक का उद्देश्य सरकार के द्वारा जारी पत्र के आलोक में था, जिसमें कोचिंग संस्थानों और छात्र के हॉस्टल और लॉज अगले आदेश तक बंद रखने के उद्देश्य पर हुई बैठक में विचार किया गया। वहीं बैठक के बाद निर्णय हुआ कि सरकार अपने आदेश में परिवर्तित करें, अन्यथा शिक्षकगण सड़क पर उतरेंगे और भूख हड़ताल या सांकेतिक सब्जी बिक्री जूता पॉलिश कर सरकार के आदेश का विरोध करेंगे। वहीं बैठक में मुख्य रूप से एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार यादव, अजीत कुमार अमन, राकेश कुमार, RK झा सहित कई अन्य उपस्थित थे। स्थिति अब जो है चरमरा गई है। मकान मालिक जो है रेंट के लिए हम लोग को मतलब जो है प्रताड़ित करते हैं। एक तरफ हम लोग की भूखमरी आ गई है, दूसरी तरफ मकान मालिक सब टॉर्चर करते हैं, भाई हम लोग को चाहिए तो हम लोग कहाँ से भरण पोषण करें। हम लोग को परिवार है, बाल बच्चे हैं, हम लोग का आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई, इसलिए हम लोग DM साहब से मिलना चाह रहे हैं। मेन मकसद है कि हम लोग का, मेरा नाम अजय कुमार है। लेकिन 50% भागलपुर जो है वो शिक्षा पर डिपेंड करता है, चाहे वो चाय का दुकान हो या सब्जी का दुकान हो या ठेला वाला हो या जितना भी लॉज का है, वो सभी शिक्षा पर डिपेंड करते हैं। यहाँ तक कि स्टूडेंट रहते हैं तभी पेपर भी ज़्यादा बिकता है, सर्कुलेशन तो मीडिया वाला भी कहीं ना कहीं वो एजुकेशन से इफेक्टेड है, तो सभी लोग इफेक्टेड हैं। इस वजह से जो है क्विक इस पर एक्शन लेना चाहिए, और नहीं तो हम लोगों की भूखमरी की स्थिति हो गई है। और अब ये बताइए कि हम लोग जिंदा कैसे रहें। संविधान संस्थान में हमारे कई शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए कई शिक्षक हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी हैं। अब पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल इंडिया NAC ए ग्रेड, MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक, BTech, BCA, MCA, BBA, MBA, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA, BSc, BCom, MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप, नया टोला नौबतिया, 9534338689, 7856914231, 6206224713। नवगछिया, रंगरा के जहांगीरपुर बैसी में चल रहा भीषण कटाव, ग्रामीणों ने कटाव निरोधी कार्य करवाने की मांग। नवगछिया के रंगरा चौक प्रखंड के कोसी तटवर्ती गांव जहांगीरपुर बैसी गांव में भीषण कटाव शुरू हो गया है। करीब 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कोसी नदी ने कहीं 2 तो कहीं पर 4 फीट का कटाव किया है।
यहाँ कोसी नदी बड़ी तेजी से खेती योग उपजाऊ जमीन पर कटाव कर रही है। कोसी कटाव अब जहांगीरपुर बैसी गांव के एकदम मुहाने पर आ गया है। गांव के मुखिया प्रतिनिधि संजय मंडल ने बताया कि करीब 400 परिवार के घर कोसी नदी के मुहाने पर आ गया है। अगर जल्द से जल्द कटाव निरोधी कार्य नहीं शुरू करवाया गया तो पूरा गाँव बेघर हो जाएगा। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से जल्द कटाव निरोधी कार्य करवाने की मांग की है। नवगछिया रंगरा में 150 कोरोना संदिग्धों की जांच, 2 पॉजिटिव। नवगछिया के रंगरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को 150 कोरोना संदिग्ध लोगों की जांच रैपिड एंटीजन किट से किया गया, जिसमें प्रखंड के भीमदास टोला के 2 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रंगरा पीएससी के डाटा ऑपरेटर मिथिलेश कुमार ने बताया कि दोनों संक्रमित रोगियों को होम आइसोलेट किया गया है। 101 बूथों पर गोपालपुर में विधानसभा चुनाव में मतदाता करेंगे मतदान। गोपालपुर प्रखंड में चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में 67 मूल मतदान केंद्र व 37 सहायक मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनाव में गोपालपुर प्रखंड के मतदाता चुनाव में मतदान करेंगे। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु 8 सेक्टर बनाया गया है तथा 30 मतदान केंद्रों पर महिला कर्मियों की तैनाती की व्यवस्था की जा रही है। मौसम विभाग द्वारा भारी वर्षा व वज्रपात का अलर्ट जारी करने से ग्रामीणों में दहशत। नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर प्रखंड सहित गंगा किनारे बसे सभी गांव में मौसम विभाग द्वारा गंगा नदी के किनारे भारी वर्षा व वज्रपात का अलर्ट जारी किए जाने के बाद गंगा किनारे अवस्थित गांव के लोगों में दहशत का माहौल फैल गया है। ग्रामीण अपने अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। कृपया ध्यान दें कि अब खबर 1 मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773, 93043-67-170। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 88-73-97-36-80, 8228-95-6905 या रजिस्टर करें mswtbihar.com पर। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज, त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा, कुर्सी, टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध हैं। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979-85-0079, 7549-68-3888। उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। नवगछिया, मास्क चेकिंग अभियान में 57 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया SP स्वप्ना जी मिश्रम के निर्देश पर पूरी जिले के सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क एवं वाहनों की जांच की गई। जांच अभियान में कुल 57 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करते हुए पाए गए, जिसे कुल 2850 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। वहीं इस अभियान में 12 वाहन से 12000 रुपये भी जुर्माना वसूल किया गया है। ढोलवजा, लगातार बढ़ रहे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की रोगी सरकार से मदद की कर रहे मांग। जिले में लगातार मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के रोगियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसका अभी तक न कोई इलाज है, न ही इस रोगियों को सरकार के द्वारा कोई मदद मिल पा रही है। ज्ञात हो कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक अनुवांशिक बीमारी है। अनुवांशिक कारण नहीं होने पर भी यह बीमारी किसी को भी हो सकती है। इससे शरीर की मांसपेशियों धीरे धीरे इतना कमजोर हो जाती है कि मांसपेशियां काम करना बंद कर देते हैं। यह बीमारी 5 से 6 वर्ष के बाद ज़्यादातर लड़कों में ही होते हैं, जो उम्र के साथ साथ पूरे शरीर में फैलती जाती है, जिससे रोगी को अपना संतुलन बनाए रखने में भी दिक्कत आती है। बिना सहारे खड़ा होकर चलना फिरना भी संभव नहीं हो पाता है। पीठ के बल भी बैठने में दिक्कत होती है।
रीढ़ की हड्डियां झुकने लगती है, जोड़ों में तकलीफ व हृदय संबंधी रोग भी हो जाते हैं, उसके बाद रोगियों की मौत तक हो जाती है। उक्त बातें की जानकारी देते हुए मध्य विद्यालय ढोलबजा के शिक्षक घनश्याम कुमार ने बताया कि मेरे दो लड़के अनिमेष अमन व अनुराग आनंद समेत कदवा में 5 ऐसे बच्चे हैं जो इस रोग से ग्रसित हैं। जिले में करीब 50 व राज्य में 618 ऐसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोगी अभी भी हमसे जुड़े हुए हैं। सरकार अब तक इस रोग का इलाज करने में सक्षम नहीं है, जिससे न ही इन सभी रोगियों को उनके द्वारा किसी तरह की मदद की जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने पूरे मामले से अवगत कराते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को पत्र लिखकर इलाज करवाने की मांग की है। मजदूरी के लिए दिल्ली जा रहे बस को रोककर मजदूर ने काटा बवाल। नारायणपुर प्रखंड के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 बलहा चौक के पास बुधवार की दोपहर बाद मधेपुरा के पुरैनी बाजार से 70 मजदूरों को लेकर दिल्ली जा रही बस संख्या BR18PB0313 पर चौसा गांव से 70 मजदूर मजदूरी के लिए बस पर सवार हुए थे। बीहपुर ढाबा पर चालक द्वारा खाना खाने के दौरान मोबाइल चार्जर व 20,000 रुपए चोरी करने का आरोप लगाकर चालक ने दिल्ली पहुंचाने से इनकार कर दिया, तो बलहा के पास मजदूरों ने बस को रोककर जमकर बवाल काटा। मजदूरों ने बताया कि अजय राज नारायणी ट्रेवल्स में मधेपुरा जिले के चौसा व पुरैनी के लिए 70 मजदूरों ने बस को दिल्ली के मलेठा के लिए रिजर्व किया था। चालक द्वारा बोला गया कि चोरी किया गया सामान वापस करो, नहीं तो सभी मजदूरों को हरियाणा पुलिस के हवाले करूंगा। सभी मजदूरों का बैग के साथ पैकेट भी चेक किया गया। नहीं मिलने पर बस में सवार मजदूर भयभीत हो गए, जो कि लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय करने पर बलहा NH31 पर हंगामा कर किसी तरह बस को रुकवाया। उसके बाद सभी मजदूर बस चालक के आरोप को गलत बताते हुए हंगामा करने लगे। थोड़ी देर बाद राजमार्ग पर आवागमन भी बाधित हुआ, जो महज थोड़ी देर के लिए था। भवानीपुर पुलिस के ASI अनिल रविदास जवानों के साथ पहुंचकर दोनों पक्ष बस चालक एवं मजदूरों की बात को सुना व बस चालक एवं मजदूरों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया व बस चालक को कहा कि सभी मजदूरों को वापस चौसा पहुंचा दो। पुलिस के समक्ष बस में सभी मजदूरों को बैठाकर वापस चौसा भेज दिया गया। नवगछिया, छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोप में आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ ने विद्यालय में किया पथराव। जान मारने की नीयत से आरोपित शिक्षक पर किया हमला। हरिक प्रखंड के हाई स्कूल अटगामा में 9वीं कक्षा की महादलित छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोप में आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीण की भीड़ लाठी ढंडे भाला फरसा और अवैध हथियार लेकर जान मारने की नीयत से विद्यालय परिसर पहुंचकर आरोपित शिक्षक महेश कुमार पर जानलेवा हमला बोल दिया। उग्र भीड़ ने शिक्षक को लाठी डंडे से पीटकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। आरोपित शिक्षक पर जानलेवा हमला देखकर विद्यालय की कुछ महिला शिक्षिकाओं ने भी उसे बचाने की कोशिश की, तो उग्र भीड़ उनसे भी उलझ गए। वहीं तकरीबन 1 घंटा तक ग्रामीणों की भीड़ ने उपद्रव मचाया और विद्यालय में तोड़फोड़ की घटना को भी अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलते ही विद्यालय के प्रधानाध्यापक तालिब हुसैन ने खरीक थानाध्यक्ष पंकज कुमार और नौगछिया SP को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर खरीक पुलिस पहुंचकर आरोपी शिक्षक को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस के कब्जे में आरोपी शिक्षक को देखकर ग्रामीणों की उग्र भीड़ बेकाबू हो गई और ईंट पत्थर से विद्यालय परिसर में पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे कई पुलिसकर्मियों को चोट भी आई है। उग्र ग्रामीणों ने अपने आक्रोशित तेवर को प्रदर्शित करते हुए पुलिस कब्जे से आरोपी शिक्षक को खींचकर छीनने का प्रयास किया। आक्रोशित भीड़ आरोपी शिक्षक को पुलिस के सामने मौके पर जान मारकर हत्या करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए खरीक प्रवक्ता समेत विभिन्न थानों की पुलिस बल को बुलाया गया। पुलिस ने तत्परता से आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर खरीक थाना लाया है। वहीं संदर्भ में खरीक थानाध्यक्ष पंकज कुमार के बयान पर खरीक थाने में 20 नामजद और 60 की संख्या में अज्ञात उग्र ग्रामीणों की भीड़ पर पुलिस कब्जे से आरोपित को छीनने व सरकारी काम में बाधा डालने, विद्यालय परिसर में हंगामा करने, आरोपी को मौके पर जान मारने की नीयत से हमला करने और COVID-19 महामारी के नियमों का उल्लंघन करने संबंधी सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं पीड़ित महादलित लड़की के बयान पर खरीक थाने में आरोपित शिक्षक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक महेश कुमार के विरुद्ध मोबाइल नंबर मांगने, किसी को नहीं बताने, छेड़खानी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की कराई गई है। खरीक पुलिस ने बाइक चोर को बाइक के साथ किया गिरफ्तार। खरीक थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर बुधवार को छापेमारी के दौरान बिसपुरिया के रोहित सिंह को खरीक पुलिस ने चोरी की हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं बताया गया कि बीते 3 साल से मोटरसाइकिल चुरा कर रोहित सिंह अपने घर में मोटरसाइकिल को रख रहा था। रोहित की गिरफ्तारी होने से पुलिस अन्य जगहों पर मोटरसाइकिल की चोरी के संदर्भ में गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर रही है। मोटरसाइकिल बरामद कराने में खरीक अवर निरीक्षक प्रभात कुमार लगातार सक्रिय रहे।
नवगछिया जानलेवा हमला एवं आर्म्स एक्ट के आरोपी गिरफ्तार। कदुआ ओपी पुलिस ने जानलेवा हमले एवं आर्म्स एक्ट के आरोपी मधेपुरा जिले के चौसा थाना क्षेत्र के खलीफा चौक निवासी नीरज कुमार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। धोखाधड़ी के मामले में दो गिरफ्तार। नवगछिया के इस्माइलपुर पुलिस ने छापेमारी कर धोखाधड़ी मामले के आरोपी केलाबाड़ी मोती टोला निवासी रामू भारती एवं बॉस्की मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद इस्माइलपुर पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। वारंटी गिरफ्तार। इस्माइलपुर पुलिस ने छापेमारी कर थाना क्षेत्र के छोटी पर्वता निवासी वारंटी विनोद मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। माँ गायत्री प्लाई फर्स्ट फ्लोर ऑटो स्टैंड नवगछिया NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड के लिए एक बार जरूर पधारे सुंदरम फास्ट फूड राजेंद्र कॉलोनी मोड स्टेशन के सामने नवगछिया। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड रेडियम बोर्ड नेम प्लेट नंबर प्लेट ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट गौशाला रोड पुरानी गैस ऑफिस के सामने नवगछिया। मोबाइल 7295830773 93043667170। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर सीसम सागवान स्टील पलंग गोदरेज त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा सोफा कुर्सी टेबल डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन पंखा कूलर फ्रिज वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध है। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079 7549683888 उषा फर्नीचर गांधी चौक कलासन रोड चौसा। अब पैसा नहीं है बाधा बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन ऑल इंडिया NSC ए ग्रेड MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक BTech BCA MCA BBA MBA होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA BSc BCom MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला नौगढ़िया 9534338689 7856914231 6206224713